नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चेतरा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात नीतू मोबाइल की दुकान में आग लगा दी गई। इससे दुकान के अंदर रखा सारा सामान जल गया। आग लगने की जानकारी उस वक्त हुई जब पीड़ित दुकान खोलने गया। पीड़ित ने बताया कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। पीड़ित ने थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ दुकान में आग लगाने की तहरीर दी है। सिमरिया प्रशासन का कहना है मामले की जांच की जा रही है। सदमा गांव निवासी किशोर कुमार का मोबाइल की दुकान डाडी चौक पर है। रोज की तरह वह दुकान बंद करके घर चला गया। रात में किसी ने उसकी दुकान में आग लगा दी। इससे दुकान में रखा लैपटॉप, मोबाइल सेट, चार्जर समेत लगभग 70,000 का सामान जलकर राख हो गया। बुधवार की सुबह जानकारी होने पर वह दुकान खोलने पहुंचा तो सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वही तमाम दुकानदारों का कहना है कि सीसीटीवी जब तक नहीं लगता है तब तक हम तमाम दुकानदार सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। 25 तारीख को हम 8:30 बजे दुकान बंद करके घर गए। रोज के दरमियान रोज उसी तरह से बंद करके जाते थे और जब गए हम रात में अपना घर में थे। हमको पता कुछ नहीं था कि दुकान में क्या हुआ नहीं हुआ। जब सुबह बगल का प्रकाश भैया आए तो वो बोल रहे हैं किशोर से फ़ोन करके कि किशोर तुम्हारा दुकान में धुआं धुआं निकला हुआ है, साके देखो। तो हम आए घर से तो खोले शटर तो देखे पूरा आग लगा हुआ है। आग बुता हुआ था और पूरा सामान जला हुआ था। उसमें हमको लगभग 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ है। पूरा कवर, पूरा मोबाइल, एक्सेसरीज, चार्जर उर्जर जल गया है और तार उर भी जला है, काउंटर भी जल गया है। पूरा रूम काला काला हो गया है जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे दुकान में तो फिलहाल किसी से हमको नोक झोंक नहीं हुआ था। आगे का किसी से दुश्मनी हमसे ये करना था तो हमको बोलता या सामने हमसे लड़ता, जैसे लड़ता धन से, बल से, औकात से हम लड़ते। लेकिन इस तरह से गुमराह करके और किसी के पीठ से पीछे से वार नहीं करना चाहिए, उसको सामने से लड़ना चाहिए। प्रशासन के विषय में क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन तो गए हम थाना, आवेदन दिए तो आए भी, पूछे हमको किसी पर शक है का, तो सर हम बोले कि अभी तो फिलहाल किसी पर शक नहीं है लेकिन पहले किसी का दुश्मनी होगा तो वो अभी हमको याद नहीं है। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उचित छानबीन हो। और इस तरह का यहाँ डाड़ी चौक में बहुत तरह का मैटर आता है। किसी का दुकान में चोरी होता है, किसी के दुकान में तोड़ फोड़ किया जाता है, तो किसी के दुकान में आग लगा दिया जाता है। इस तरह का न हो, प्रशासन से ही हम आग्रह करेंगे। आगजनी तो किया, जो किया वो गंदा किया। प्लस पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, प्रशासन का पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, चौक पर सीसी कैमरा लगाया जाए, इसी से सुरक्षा होगा और क्या होगा। यहाँ से जनता से और सभी दुकानदारों से अपील करना चाहते हैं कि हम लोग एक नाइट गार्ड खोज के रखें। सभी दुकानदारों से और प्रशासन का भी लापरवाही होता है कि आया और सीधा सीधी चल गया गाड़ी से पेट्रोलिंग करके। एक मिनट चौक पर रुकना भी नहीं है। और चौक पर सबसे पहले कि सीसी कैमरा जब तक लगेगा नहीं सुरक्षा होगा। आग लगाया जा रहा है, बहुत किस्म के यहाँ उपद्रव भी हो रहा है और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी चोरी हो रहा है यहाँ से। इसलिए हम प्रशासन से कहते हैं कि प्रशासन हम लोग को सहयोग करे। प्रशासन से आपने आवेदन दिए? आवेदन दिया है दुकानदार। आप गए शासन में? हम सुने तुम्हारे पास है। तो फिर प्रशासन से मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मतलब किन पर शक है आप लोग का है वैसा कुछ? हमको किसी पर शक नहीं है। हम तो किराया पर लगाए हुए मकान, अपना हम तो रखे हैं नहीं दुकान, हम सब दे दिए किराया पर। अब किराया वाला के शक होगा तो वो अपना नाव धरे, हम कैसे नाव धरे। सुरक्षा के बारे में बताइए कुछ, इसके बाद आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? जैसे हो सकता है कल इनके अगला किसी और दुकान में हो सके तो हम इसका व्यवस्था क्या करें? खुद प्रशासन यहाँ ये है, प्रशासन यहाँ यहाँ अथी करें।